यस चिल्ड्रन, अब हम यूनिट सेकेंड स्पोर्ट्स एंड स्कूल इसके बारे में पढ़ेंगे, डू एंड लर्न। माई फर्स्ट डे एट स्कूल, ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, इसके बारे में हम आगे रीड करेंगे। कलेक्ट 26 बॉटल कैप्स, हमें 26 बॉटल के कैप्स कलेक्ट करने हैं बच्चों। राइट द लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट ए टू जेड ऑन देम, हमने उस बॉटल कैप्स पर ए टू जेड लेटर लिखने हैं। यूज द कैप लेटर्स टू फॉर्म वर्ड्स, हमने वो बॉटल कैप्स बच्चों वर्ड बनाने के लिए काम में लेने हैं। जैसे इन्होंने ये देखो सभी बॉटल कैप्स पे ए से जेड तक अल्फाबेट लिख लिए, उसके बाद इन्होंने कोई भी फाइव लेटर्स उठाए, जैसे एम ओ यू एस ई, इन्होंने कोई भी फाइव लेटर्स उठा लिए यहाँ से, उसके बाद एक वर्ड बनाया माउस। इसी तरह से आपको भी बॉटल कैप्स लेनी है, उसके ऊपर ए से जेड तक अल्फ़ाबेट लिखनी है, और कोई भी आप पांच लेटर ले लो, चार ले लो, कोई भी चार इनमें से चार लेटर उठा लो, फिर उससे एक नया वर्ड बना के देखो कि कौन सा नया वर्ड बन रहा है। आगे है ऑफ टू स्कूल वी गो, ये हमारा फोर्थ चैप्टर है, इसके बारे में आगे रीड करेंगे। लुक एट द वर्ड वेब ऑन द राइट, सॉरी ये देखो ये वर्ड वेब बच्चों हमें लेफ्ट साइड में दिया गया है, यहाँ पे बाई मिस्टेक राइट लिखा हुआ है, तो मैंने इसको काट के यहाँ पे लेफ्ट लिखा है। लुक एट द वर्ड वेब ऑन लेफ्ट, ये बच्चों ये वर्ड वेब को देखो जो लेफ्ट साइड दिया गया है आपको। इट हैज वर्ड दैट गो विथ हैव, ये वर्ड वेब बच्चों हैव से बनाया गया है। देखो हैव फूड, हैव डिनर, हैव फन, हैव एन आइडिया, हैव अ नाइस डे, हैव अ सीट। नाउ अब मेक ए सिमिलर वर्ड वेब विद वर्ड्स दैट गो विद टेक, इसी तरह का वर्ड वेब बनाना है आपको जो कि टेक से बनता हो। आपको टेक से इसी तरह का मिलता जुलता वर्ड वेब आपको यहाँ पर बनाना है। देखो बच्चों मैंने कुछ यहाँ पे वर्ड भी लिख रखे हैं, जैसे मैंने लिखा टेक रेस्ट, टेक अ स्टेप, टेक टाइम, टेक मील, टेक अ राउंड, टेक बाथ। अगर आपको भी कुछ ऐसे वर्ड याद आए तो आप वो भी लिख सकते हो। यस बच्चों ये हमारा थर्ड लेसन है, इसलिए मैंने इसको सेकंड को काट के यहाँ पे थर्ड लिखा है। सभी बच्चे यहाँ पे थ्री बनाएंगे। माई फर्स्ट डे एट स्कूल, नेम फाइव थिंग्स दैट यू नीड टू गेट रेडी फॉर स्कूल। बच्चों आपको ऐसी पांच थिंग्स बतानी है जो स्कूल जाने के समय रेडी होने के लिए आपको चाहिए होती है। ऐसी कौन सी फाइव थिंग्स होती हैं बच्चों? नाउ चेक इफ योर लिस्ट मैचेस योर पार्टनर्स लिस्ट, आपको वो लिस्ट जो आपने बनाई है आपको अपने पार्टनर के साथ वो लिस्ट को मैच करना है कि क्या आपके पार्टनर ने भी वही थिंग्स लिखी हैं जो आपने लिखी हैं। आपको क्या कुछ चाहिए होता है? देखो यूनिफॉर्म चाहिए होती है ना, स्कूल शूज चाहिए होते हैं, आपका स्कूल बैग चाहिए होता है, तो क्या आपके पार्टनर ने भी वही थिंग्स लिखी हैं जो आपने लिखी हैं? तो आपको वो लिस्ट को मैच करना है। लेट अस रीड एंड फाइंड आउट हाउ नेहाज फर्स्ट डे एट स्कूल वॉज, चलो ये लेसन पढ़ते हैं और पता लगाते हैं कि नेहा का फर्स्ट डे स्कूल का कैसा था। एट लास्ट द डे केम व्हेन आई हैड टू गो टू द बिग स्कूल, आखिरकार वो दिन आ गया जब मैंने बड़े स्कूल जाना था। किसने जाना था बच्चों बड़े स्कूल? नेहा ने। आखिरकार वो दिन आ गया जब मैंने बड़े स्कूल जाना था। आई वॉज स्केयर्ड, मैं डरी हुई थी, स्केयर्ड मीन्स डरे होना, मैं डरी हुई थी। आई वॉज ऑल्सो एक्साइटेड, वो डरी भी हुई थी और वो एक्साइटेड भी थी, नेहा डरी भी हुई थी और एक्साइटेड भी थी। आई लुक्ड एट माई शाइनी न्यू शूज एंड द न्यू स्कूल बैग, उसने देखा किसकी तरफ देखा? माई शाइनी न्यू शूज, अपने नए शूज की तरफ जो चमक रहे थे, नए चमकदार नए शूज की तरफ और अपने स्कूल बैग की तरफ। नेहा ने अपने चमकदार नए शूज की तरफ और नए स्कूल बैग की तरफ देखा। इनसाइड द बैग वॉज अ न्यू पेंसिल बॉक्स, बैग के अंदर एक नया पेंसिल बॉक्स भी था। इट वॉज ग्रीन, जो कि ग्रीन कलर का था। देयर वर फोर न्यू पेंसिल्स एंड एन इरेजर इनसाइड द बॉक्स, उसके बॉक्स के अंदर चार नई पेंसिल्स और एक इरेजर था। नेहा
इट्स टाइम टू गेट रेडी कॉल्ड मम्मी. मम्मी ने कहा कि नेहा तैयार होने का समय हो गया है. सून आई वॉज रेडी फॉर स्कूल. जल्दी ही मैं स्कूल जाने के लिए तैयार हो गई. मम्मी हैड मेड माई फेवरेट सैंडविचेस फॉर टिफिन. मम्मी ने मेरे फेवरेट सैंडविच बनाए इसके लिए टिफिन के लिए. मम्मी ने मेरे टिफिन के लिए मेरे फेवरेट सैंडविच बनाए. आई रीच्ड स्कूल एंड वॉक्ड टू माई क्लासरूम. सॉरी वी रीच्ड स्कूल एंड वॉक्ड टू माई क्लासरूम. हम स्कूल पहुंचे और अब चलकर अपनी क्लासरूम तक गए. आई हैव अ फनी फीलिंग इन माई टमी. आई टोल्ड मम्मी. मैंने मम्मी से कहा कि मेरे पेट में एक फनी फीलिंग हो रही है. उसके पेट में कुछ हो रहा था. बच्चों वो नर्वस हो रही थी जिसकी वजह से उसके पेट में फनी फीलिंग हो रही थी. यू आर फीलिंग नर्वस सेड मम्मी. मम्मी ने कहा कि तुम नर्वस फील कर रही हो. डोंट वरी यू विल बी फाइन. चिंता मत करो तुम ठीक हो जाओगी. बट आई डोंट नो माई टीचर. लेकिन नेहा ने कहा कि मैं अपनी टीचर को नहीं जानती. आई डोंट नो द अदर चिल्ड्रन. मैं दूसरे बच्चों को भी नहीं जानती. आई बिगन टू क्राई होल्डिंग मम्मीज हैंड टाइटली. उसने मम्मी का हाथ कसकर पकड़ लिया और रोना शुरू कर दिया. योर टीचर इज वेरी नाइस एंड सो आर द अदर चिल्ड्रन. उसकी मम्मी ने कहा कि तुम्हारी जो टीचर है वो बहुत अच्छी होगी और दूसरे बच्चे भी. कि तुम्हारी टीचर भी बहुत अच्छी होगी और दूसरे बच्चे भी बहुत अच्छे होंगे. सैड मम्मी. मम्मी ने कहा. एंड शी गेव मी अ हग एंड अ किस. और उसकी मम्मी ने उसको हग किया और एक किस किया और किस किया. आई स्टूड इन फ्रंट ऑफ द क्लासरूम फॉर अ व्हाइल. व्हाइल मीन्स कुछ समय के लिए. स्टूड मीन्स खड़े रहना. वो अपनी क्लासरूम के बाहर कुछ समय के लिए खड़ी रही. द टीचर स्माइल्ड एट मी. जो टीचर थी उसकी तरफ देखकर मुस्कुराई. आई लाइक्ड हर. मुझे अच्छा लगा. नेहा को ये अच्छा लगा कि उसकी टीचर उसकी तरफ देखकर मुस्कुराई. आई वेव्ड गुड बाय टू मम्मी एंड वॉक्ड इनसाइड द क्लासरूम विद अ स्माइल. उसने गुड बाय किया अपनी मम्मी को. हाथ हिलाकर गुड बाय किया और क्लासरूम के अंदर चली गई. मुस्कुराते हुए क्लासरूम के अंदर चली गई. दिस इज नेहा द क्लास द टीचर टोल्ड द क्लास. टीचर ने क्लास को बताया कि यह नेहा है. शी शोड मी वेयर आई हैड टू सिट. उन्होंने मुझे वो जगह दिखाई जहां मुझे बैठना था. मम्मी वॉज राइट. मम्मी सही थी. एवरी वन वॉज वेरी नाइस टू मी. हर कोई मेरे साथ बहुत अच्छा था. वी लर्न ईच अदर्स नेम्स. हमने एक दूसरे के नाम सीखे. वी ड्रू पैटर्न्स एंड कलर्ड एनिमल शेप. हमने एनिमल की शेप को बनाया और उसमें कलर किया. देन उसके बाद वी वेंट टू द प्लेग्राउंड. हम प्लेग्राउंड में गए. वी प्लेड हाइड एंड सीक. हमने हाइड एंड सीक खेला. हाइड एंड सीक बच्चों छुपन छुपाई. हाइड एंड सीक का मतलब छुपन छुपाई. हमने वहाँ हाइड एंड सीक खेला. वी ऑल्सो प्लेड फुटबॉल. हमने वहाँ फुटबॉल भी खेली. दैट डे उस दिन आई मेड मैनी न्यू फ्रेंड्स. मैंने बहुत से नए दोस्त बनाए. When school ended, जब स्कूल ख़त्म हो गया. मम्मी was at the gate. मम्मी गेट पर थी. I told मम्मी about my new friends. मैंने मम्मी को अपने नए फ्रेंड्स के बारे में बताया. I told her how we played and helped each other in class. मैंने मम्मी को बताया कि हम कैसे खेले और एक दूसरे की कैसे हेल्प की क्लास में. I was happy now. अब मैं बहुत खुश थी. And that funny feeling in my tummy, और जो मेरे पेट में जो funny feeling थी, it is not there anymore. अब वो वहाँ पर नहीं थी. Reading comprehension. Exercise A. Write T for true and F for false sentences. हमने इन sentences में जो true है वहाँ यहाँ पर true लिखना है, जो false है false लिखना है. Number one. Neha was sad on the first day ऑफ स्कूल. बच्चों नेहा दुखी थी जब उसका फर्स्ट डे था स्कूल का. तब क्या नेहा दुखी थी? नहीं, नेहा दुखी तो नहीं थी, है ना. नेहा तो स्केयर्ड थी, एक्साइटेड थी. तो हम क्या लिखेंगे? फॉल्स. ये लाइन क्या है? फॉल्स. सेकंड, नेहा वोर हर ओल्ड शूज. क्या नेहा ने अपने पुराने ही शूज पहने थे?
नहीं, नेहा ने नए शूज पहने थे, तो इसमें भी क्या आएगा? फॉल्स। नंबर थ्री, मम्मी मेड नेहाज फेवरेट सैंडविचेस। क्या मम्मी ने नेहा के फेवरेट सैंडविचेस बनाए थे? हाँ बनाए थे, तो क्या लिखेंगे? ट्रू, सॉरी ट्रू। नंबर फोर, द टीचर डिड नॉट स्माइल एट नेहा। क्या उसकी टीचर थी नेहा की जो उसकी तरफ देखकर नहीं मुस्कुराई थी? वो मुस्कुराई थी, तो ये क्या आएगा? फॉल्स। नंबर फाइव, ऑल द चिल्ड्रन प्लेड फुटबॉल। सभी बच्चों ने फुटबॉल खेली? हाँ खेली, यस यस चिल्ड्रन। अब हम एक्सरसाइज सी थिंक एंड आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर वन, व्हाई डिड नेहा हैव अ फनी फीलिंग इन हर टमी। नेहा की टमी में फनी फीलिंग क्यों हो रही थी? क्यों हो रही थी बच्चों? बिकॉज शी वॉज फीलिंग नर्वस। वो नर्वस फील कर रही थी नेहा, इसलिए उसके पेट में फनी फीलिंग हो रही थी। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, हाउ डिड द फनी फीलिंग इन नेहाज टमी गो अवे। नेहा की टमी में से फनी फीलिंग कैसे चली गई? हमने अभी पीछे लेसन पढ़ा था, रीड किया था, तो उसमें हमने पढ़ा था कि शी वॉज हैप्पी। वो हैप्पी हो गई थी, वो खुश हो गई थी जब उसने सारा दिन वो स्कूल में गई, उसने सबसे फ्रेंडशिप की, तो वो क्या हो गई? वो खुश हो गई। शी वॉज हैप्पी, सो द फनी फीलिंग इन नेहा टमी वेंट अवे। वोकैबुलरी, राइट द नेम्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स गिवन इन द बॉक्स अंडर द करेक्ट हेडिंग्स। बच्चों आपको कुछ यहाँ पर देखो ऑब्जेक्ट्स के नेम दिए गए हैं, है ना? राइट द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, आपको कुछ यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स के नेम दिए गए हैं, गिवन इन द बॉक्स, बॉक्स के अंदर, अंडर द करेक्ट हेडिंग। आपको इन देखो, ये देखो दो हेडिंग्स दी गई हैं, इसके नीचे आपको वो सही ऑब्जेक्ट्स के नेम लिखने हैं। फॉलो द गिवन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल भी दिया गया है, उसको फॉलो करके हमें आगे लिखने हैं। देखो हम पहले ऑब्जेक्ट्स के नेम पढ़ लेते हैं। एक हमें दिया गया डेस्क, यूटेंसिल्स, ओवन, टैप, स्टोव, बुक्स, ब्लैक बोर्ड, चॉक, फ्रिज, डस्टर। यहाँ पर हमें दिए गए थिंग्स फाउंड इन द क्लासरूम, हमें वो थिंग्स लिखनी है जो क्लासरूम में मिलती हैं। थिंग्स फाउंड इन द किचन, हमें वो थिंग्स लिखनी है जो किचन में मिलती हैं। हमने पढ़ा था डेस्क, डेस्क देखो क्लासरूम में मिलता है, तो इधर लिखा हुआ है यूटेंसिल्स, इधर लिखे हुए यूटेंसिल्स मीन्स होता है बर्तन, तो यूटेंसिल्स इधर हमें किचन में मिलते हैं, तो किचन की तरफ लिखा हुआ है। नंबर टू पे बुक्स, फिर ब्लैक बोर्ड, फिर चॉक, फिर डस्टर। यहाँ पे किचन में यूटेंसिल्स, ओवन, टैप, स्टोव और फ्रिज, ये हमें किचन में मिलते हैं, तो हमने किचन वाली साइड लिख लिया। हमें कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए गए थे, कुछ जो हमने कुछ क्लासरूम में लिखने थे जो क्लासरूम में मिलते हैं, और जो हमें किचन में मिलते हैं वो हमने किचन में लिख लिए। यस चिल्ड्रन, अब हम ग्रामर पार्ट करेंगे। द वर्ड्स आई, ही, शी, वी एंड दे आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउंस। बच्चों जो ये वर्ड्स होते हैं आई, ही, शी, वी एंड दे, ये नाउंस की जगह पर लिखे जाते हैं। नाउंस क्या होते हैं? नाउंस किसी पर्सन का नेम, किसी प्लेस का नेम, किसी एनिमल का नेम, किसी थिंग का नेम, ये क्या कहलाते हैं? नाउंस कहलाते हैं। दे आर कॉल्ड प्रनाउंस, नाउन की जगह पर जो वर्ड लिखे जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें प्रनाउंस कहते हैं। देखो जैसे आगे लिखा गया है माई नेम इज़ नेहा, तो नेहा यहाँ पर क्या है? नेहा यहाँ पर नाउन है, हमने नाउन की जगह पर क्या लगाना है? प्रनाउन लगाना है। तो यहाँ पर माई नेम इज़ नेहा, तो नेहा की जगह हमने क्या लगाया? आई, आई स्टडी इन क्लास सेकेंड, मेरा नाम नेहा है और मैं क्लास सेकेंड में पढ़ती हूँ। सेकेंड है माई टीचर स्माइल्ड एट मी, शी इज़ नाइस, मेरी टीचर मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई, वो बहुत अच्छी है। तो टीचर के बारे में आ रहा है कि टीचर उसकी तरफ देखकर मुस्कुराई, तो अच्छी कौन है? टीचर। तो टीचर एक लेडी है, तो उसके लिए हमने क्या लगाया? शी। माई मदर टुक मी टू स्कूल, वी वर हैप्पी, मेरी मदर मुझे स्कूल ले गई, हम खुश थे, है ना? तो मेरी मदर, मैं और मेरी मदर कितने जने हो गए? दो जने हो गए, तो इसके लिए हमने क्या लगाया? यहाँ पर वी लगाया। आई डोंट नो द अदर चिल्ड्रन, मैं दूसरे बच्चों को नहीं जानती। विल दे प्ले विद मी, क्या वो मेरे साथ खेलना चाहेंगे?
तो दे चिल्ड्रन का काफी सारे हैं तो उसके लिए क्या लगाया इन्होंने, दे। एक्सरसाइज ए, इन पेयर सर्कल द प्रोनाउंस इन दी सेंटेंसेस। बच्चों इन सेंटेंसेस में हमने प्रोनाउंस पर क्या करना है, सर्किल करना है। नंबर वन है जैसे शी इज एट अ बर्थडे पार्टी, शी इज एट अ बर्थडे पार्टी, है ना। तो इसमें बच्चों बताओ प्रोनाउंस कौन सा है, जैसे हमने पढ़ा था ऊपर आई ही शी वी एंड दे, ये क्या कहलाते हैं, ये प्रोनाउंस होते हैं। तो देखो यहाँ पर दिया गया है शी, शी क्या है प्रोनाउन है, तो इस पर हम सर्कल करेंगे। नंबर सेकंड, आई लाइक आइसक्रीम, इसमें प्रोनाउन कौन सा है आई, तो हम आई पर सर्कल करेंगे। नंबर थ्री, ही वर्क्स एट द स्टोर, इसमें कौन सा है प्रोनाउंस बच्चों, ही, तो हम ही पर सर्कल करेंगे। नंबर फोर, वी गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, इसमें कौन सा है बच्चों प्रोनाउन, वी, हम वी पर सर्कल करेंगे। नंबर फाइव, एवरी इवनिंग दे गो टू द पार्क, एवरी इवनिंग, इसमें बच्चों बताओ कौन सा है प्रोनाउंस कौन सा है। देखो ऊपर हम देखते हैं आई ही शी वी एंड दे, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर आया है दे, तो ये हमारा क्या है प्रोनाउन, इस पर हम सर्कल करेंगे। नंबर सिक्स, कैन आई ईट द मैंगो, तो आई इसमें प्रोनाउन है, इस पर हम सर्कल करेंगे। यस, अब हम करेंगे डायलॉग। नाउ रीड दिस डायलॉग। द प्रोनाउन यू इज यूज्ड फॉर अदर पीपल, बच्चों यू प्रोनाउन दूसरे पीपल के लिए, अदर पीपल के लिए यूज होता है। जैसे कि दिया हुआ है राज, यू आर अ वेरी गुड बॉय, कि राज तुम बहुत ही गुड बॉय हो, तो ये मदर कह रही है कि राज तुम बहुत ही गुड बॉय हो, ये दूसरे पर्सन को कह रही है ना, अदर पर्सन को कह रही है कि राज तुम एक गुड बॉय हो, है ना। आगे देखें, द प्रोनाउन इट इज यूज्ड फॉर अ बेबी एन एनिमल और अ थिंग, जो इट प्रोनाउन होता है बच्चों वो बेबी के लिए, एनिमल के लिए और थिंग के लिए यूज किया जाता है। जैसे आगे दिया हुआ है आई हैव अ कैट, इट हैज टू किटन, देखो ये दिया हुआ है आई हैव ए कैट, मेरे पास एक कैट है, इट हैज लगाया है यहाँ पे इट, उसके दो बच्चे हैं। द बेबी इज क्राउलिंग, बेबी के लिए इट का यूज किया हमने ऊपर पढ़ा है। इट नीड मिल्क, बच्चा रो रहा है उसको किसकी जरूरत है, मिल्क की, उसको मिल्क चाहिए। दिस इज माई कार, थिंग्स के लिए भी हमने पढ़ा था कि इट का यूज होता है, इट इज न्यू। इसी तरह से हमने आगे एक एक्सरसाइज करनी है, फिल इन द ब्लैंक्स विद यू दे और इट, हमने ये ब्लैंक्स को फिल करना है किससे, यू से, दे से और इट से। नंबर वन है डैश इज एन इंटरेस्टिंग बुक, बच्चों हमने पढ़ा था ऊपर कि थिंग के लिए किसका यूज होता है, देखो हमने पढ़ा था कि थिंग के लिए किसका यूज होता है, इट का, तो बुक क्या है, एक थिंग्स है, थिंग है, तो इसमें किसका यूज होगा, इट का, इट इज एन इंटरेस्टिंग बुक, ठीक है। इसी तरह से नंबर सेकंड, डैश शुड क्रॉस द रोड केयरफुली, कि हमें रोड को, तुम्हें रोड को केयरफुली क्रॉस करना चाहिए, ये मदर कह रही है बच्चे को। अपने हमने पढ़ा था कि किसी अदर चिल्ड्रन, अदर पीपल के बारे में बात हो तो किसका यूज होता है, यू का, तो यू शुड क्रॉस द रोड केयरफुली, तुम्हें रोड को केयरफुली क्रॉस करना चाहिए, ध्यान से क्रॉस करना चाहिए। थ्री नंबर, डैश कैन प्ले विथ मनीषा एंड जमाल, फादर कह रहे हैं डॉटर से कि तुम मनीषा और जमाल के साथ खेल सकती हो, तो ये दूसरे पर्सन को कह रहे हैं ना, तो क्या आएगा, यू, यू कैन प्ले, तुम खेल सकती हो मनीषा और जमाल के साथ। नेक्स्ट है लुक डैश इज क्रॉलिंग, बेबी के लिए हम किसका यूज करते हैं, हमने पढ़ा था किसका यूज करते हैं बेबी के लिए, हम इट का, तो ये बेबी है देखो, यह क्रॉलिंग मीन्स क्या होता है, रेंगना, घुटनों के बल चलना, तो देखो ये घुटनों के बल चल रहा है, तो क्या आएगा, इट, लुक, इट इज क्रॉलिंग।
नंबर फाइव, डैश इज माई न्यू पपी. हमने पढ़ा था एनिमल के लिए किसका यूज करते हैं हम, इट का, तो इट लगाएंगे. इट इज माई न्यू पपी. डैश आर माई फ्रेंड्स. देखो बच्चों, थर्ड पर्सन के लिए किसका यूज होता है, दे का. ये अपने फ्रेंड्स के बारे में बात कर रही है, दूर से बात कर रही है, उनको सुनाई नहीं दे रहा ना, है ना, तो वो थर्ड पर्सन है. थर्ड पर्सन के बाद, थर्ड पर्सन के लिए हम किसका यूज करते हैं, दे का. दे आर माई फ्रेंड्स. ठीक है चिल्ड्रन, लिसनिंग एंड स्पीकिंग ये वाली एक्सरसाइज हम क्लासरूम में करेंगे. नेक्स्ट है प्रोनंसिएशन. रीड दीज वर्ड्स अलाउड. इन वर्ड्स को जोर से बोलकर देखना है. तो उसके बाद हम एस के वाले वर्ड्स बोल के देखेंगे. सबसे पहले है स्किल, स्किल, स्केट, स्केट, स्केच, स्केच, स्किड, स्किड, स्कल, स्कल, स्केलेटन, स्केलेटन, स्केलेटन. उसके बाद है एस क्यू वाले वर्ड्स. एस क्यू वाले वर्ड्स को बोल के देखेंगे. सबसे पहले स्क्वीरल, स्क्वीरल, स्क्वायर, 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 स्क्वीज, स्क्वीज, स्क्वैश, स्क्वैश, स्क्वीक, स्क्वीक, स्क्वाट, स्क्वाट. उसके बाद है एस सी वाले वर्ड्स. सीन, सीन, साइंस, साइंस, सेंट, सेंट, सीजर्स, सीजर्स. यस चिल्ड्रन, अब है स्पेलिंग. रीड द वर्ड्स. गर्ल, गर्ल्स. स्कूल, स्कूल्स. पेंसिल, पेंसिल्स. शू, शूज. नाउ लुक एट द पिक्चर्स. रीड दीज वर्ड्स. बच्चों ये पिक्चर देखनी है और ये वर्ड्स पढ़ने हैं. सबसे पहले देखो, एक सैंडविच की पिक्चर दी हुई है, तो नीचे लिखा गया है वन सैंडविच. ऊपर टू सैंडविच की पिक्चर दी गई है, तो नीचे लिखा गया टू सैंडविचेस. एक ब्रश की पिक्चर दी गई है, तो नीचे लिखा गया है वन ब्रश. थ्री ब्रश की पिक्चर दी गई है, तो लिखा गया है थ्री ब्रशेस. एक बस की पिक्चर दी गई है, तो लिखा गया वन बस. तीन बस की पिक्चर दी गई है, तो लिखा गया थ्री बसेस. एक बॉक्स की पिक्चर दी गई है, तो लिखा गया वन बॉक्स. टू बॉक्स की पिक्चर दी गई, लिखा गया, दी गई है, तो लिखा गया टू बॉक्सेस. एक पोटैटो की पिक्चर दी गई है, तो लिखा गया वन पोटैटोज, पोटैटो, सॉरी. पांच पोटैटो की पिक्चर दी गई है, तो लिखा गया फाइव पोटैटोज. एक ड्रेस की पिक्चर दी गई है, तो लिखा गया है वन ड्रेस. थ्री ड्रेस की पिक्चर दी गई है, तो लिखा गया है थ्री ड्रेसेस. वर्ड्स एंडिंग विद सी एच, एस एच, एस डबल एस ओ एंड एक्स टेक एन ई एस टू फ्रॉम मैनी. देखो बच्चों, जो वर्ड्स सी एच, एस एच, एस डबल एस ओ और एक्स से खत्म होते हैं, जिनका एंड होता है, उनके उनके लास्ट में हमेशा ई एस लगता है. कौन कौन से वर्ड जिनके जिनके एंड में क्या आता है, सी एच, एस एच, एस डबल एस ओ और एक्स आता हो, जिनके लास्ट में, उनके पीछे हमेशा ई एस लगता है. और दूसरे कोई भी वर्ड आ जाए उसके पीछे हमेशा एस लगेगा. जैसे ये देखो पीछे दिया गया था, ये देखो सैंडविच सी एच लगा हुआ था ना, सैंडविच सी एच लगा हुआ था, तो हमने क्या लगाया, ई एस, है ना. और यहाँ पे देखो एस एच लगा हुआ था, तो हमने क्या लगाया, ई एस. यहाँ पे देखो एक्स लगा हुआ था, तो हमने क्या लगाया, यस. यहाँ पर एस लगा हुआ था, तो हमने क्या लगाया, ई एस. तो आपको क्या याद करना है, जो वर्ड सी एच, एस एच, एस डबल एस ओ और एक्स से खत्म होते हैं, जिनका एंड होता है, उनके पीछे हमेशा ई एस लगता है. तो चलो अब ये वाले एक्सरसाइज करते हैं. नाउ एड एस और ई एस टू दीज नाउन्स, नाउन्स टू मेक मैनी. ये हमें नाउंस दिए गए हैं, इनको हमने मैनी बनाना है.
एक आपको ये पता है जब हमने एक से अधिक चीज़ें बनानी हो तो हम हमेशा उसके पीछे एस लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एस लगाते हैं। एक से ज़्यादा चीज़ें बनानी हो, वन से मैनी बनाना हो तो हम क्या लगाते हैं? एक्स, ई एस या एस लगाते हैं। तो देखो सबसे पहले दिया गया है क्रॉस, सी आर ओ डबल एस, क्रॉस। तो हमने यहाँ पर पढ़ा था, देखो ऊपर पढ़ा था ना कि जहाँ पे डबल एस आ जाए तो वहाँ क्या लगता है? ई एस लगता है। तो यहाँ पे क्या लगेगा? सी आर ओ डबल एस ई एस, क्रॉसेस। इसी तरह से नंबर टू, हग, एच यू जी, हग। देखो बच्चों इनमें से, इसमें से कोई भी वर्ड नहीं आ रहा, इसके एंड में नहीं आ रहा ना, तो इसके पीछे क्या लगेगा? ओनली एस, हग्स। नंबर थ्री, फॉक्स। देखो फॉक्स में से लास्ट का अक्षर कौन सा है, वर्ड लेटर कौन सा है? एक्स। तो इसमें क्या लगेगा? ई एस, एफ ओ एक्स ई एस, फॉक्सिस। फोर्थ नंबर है बफेलो, इसमें लास्ट लेटर कौन सा है? ओ। हमने ऊपर पढ़ा था ना, ओ आ जाए तो क्या लगेगा? ई एस। तो क्या लगेगा? बफेलोस, ई एस लगेगा। फाइव नंबर क्लास, लास्ट लेटर क्या है? डबल एस, तो क्या लगेगा? क्लासेस, ई एस लगेगा। सिक्स नंबर है बेंच, बी ई एन सी एच, देखो बच्चों सी एच आ गया तो क्या लगेगा? ई एस। नंबर सेवन है ट्रक, लास्ट लेटर क्या है? के, तो क्या लगेगा? एस, ट्रक्स। नंबर एट डिश, तो क्या आ गया? एस एच आ गया। हमने पढ़ा था अगर एस एच हो तो क्या लगता है? ई एस, डिशेस। क्या लगेगा लास्ट में? ई एस, डिशेस। डिक्शनरी स्किल्स, अब हम बच्चों डिक्शनरी देखना सीखेंगे, डिक्शनरी किस तरह से देखी जाती है। रीड दीज वर्ड्स, इन वर्ड्स को पढ़ते हैं। वायर, साइड, जार, पार्क, गोल्ड, बेबी। वी कैन राइट दीज वर्ड्स इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर दैट इज फ्रॉम ए टू जेड। बच्चों हमने इसको क्या कैसे लिखना है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है, है ना? अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या होता है? सबसे पहले क्या होता है अल्फाबेटिकल, अल्फाबेट में क्या होता है? सबसे पहले ए, उसके बाद बी, उसके बाद सी, उसके बाद डी, इस तरह से। सबसे पहले अल्फाबेट में क्या आता है, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद क्या आता है, उस तरह से लिखना है हमने इसको, अल्फाबेट में लिखना है। नाउ लुक एट द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड, हमने सबसे पहले फर्स्ट लेटर देखना है हर वर्ड का। सो द अल्फाबेटिकल ऑर्डर इज, तो इस तरह से अल्फाबेटिकल ऑर्डर हो जाएगा। जैसे सबसे पहले आ जाएगा बेबी, देखो इसमें ए वर्ड, ए लेटर कहीं नहीं दिया हुआ। देखो सबसे फर्स्ट लेटर देखना हमने, W S J P G B, ए वर्ड कहीं नहीं, ए लेटर कहीं नहीं है ना बच्चों। देखो ए के बाद क्या आता है अल्फाबेट में? B, तो B ये रहा। तो हमने सबसे पहले क्या लिखा? बेबी। B के बाद क्या आता है? C, C नहीं है यहाँ पे। उसके बाद D, D भी नहीं है। E, E भी नहीं है। F, F भी नहीं है। G, देखो G, ये रहा G, G का क्या बना? गोल्ड। तो हमने सेकंड नंबर पर क्या लिखा? गोल्ड। G के बाद क्या आता है? H, H नहीं है यहाँ पे। I, I भी नहीं है। I के बाद J, J, ये देखो J A R, जार। तो हमने थ्री नंबर पर लिखा जार। जार के बाद K, K है यहाँ पे? नहीं। K के बाद L, L है यहाँ पे? नहीं है। M, M भी नहीं है। O, O भी नहीं है। P, ये देखो P, पार्क, फिर हमने लिखा पार्क। उसके बाद Q, Q भी नहीं है। R, R भी नहीं है। S, साइड, फिर हमने फाइव नंबर लिखा साइड। टी भी नहीं है, देखो यहाँ पे अब एस के बाद टी। यू भी नहीं है, वी भी नहीं है, डब्ल्यू है देखो लास्ट। अब हमने सिक्स नंबर लिख लिया डब्ल्यू, वायर। इस तरह से हमने अपनी अल्फ़ाबेट बोल के देखनी है और इनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लगाना है।
जिससे हमें पता लग जाए कि सबसे पहले कौन सा वर्ड आएगा, उसके बाद कौन सा वर्ड आएगा। नाउ नंबर दिस एनिमल नेम्स इन द करेक्ट अल्फाबेटिकल ऑर्डर। बच्चों ये हमें कुछ एनिमल के नेम दिए गए हैं, इसको हमने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाना है। वन हैज बीन डन फॉर यू, एक आपको करके दिखाया गया है। देखो सबसे पहले यहाँ पर नंबर एक लगाया गया एंट पे, जैसे मैंने आपको सबसे पहले वहाँ पीछे सिखाया था कि हमने सबसे पहले क्या देखना है, फर्स्ट लेटर देखना है, फर्स्ट लेटर सभी वर्ड का फर्स्ट लेटर देखना है। तो इसमें देखो ए एंट, उस पर हम नंबर वन लगाया। ए के बाद क्या आता है बच्चों, बी, तो यहाँ पे देखो कहीं बी दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा, तो बी को हम छोड़ देते हैं। उसके बाद क्या आता है सी, देखो सी दिख रहा है आपको कहीं, ये रहा सी, सी ए टी कैट, इस पे लगाएंगे नंबर टू, लगा लिया। सी के बाद क्या आता है बच्चों अल्फाबेट में, डी, डी दिख रहा है आपको कहीं, नहीं दिख रहा, डी के बाद ई, ई दिख रहा है बच्चों कहीं, उसके बाद ये रहा ई, इस पे नंबर ई पे लगाएंगे नंबर थ्री, ईगल। ई के बाद आता है एफ, एफ दिख रहा है बच्चों कहीं, एफ के बाद क्या आता है जी, ये रहा जी, गोट, इस पे नंबर फोर लगाएंगे, जी गोट, इस पे नंबर फोर लगाएंगे। जी के बाद क्या आता है एच, देखो बच्चों एच दिया है, ये रहा एच, एच पे नंबर फाइव लगाएंगे, हॉर्स। उसके बाद आई, आई दिया गया है कहीं, नहीं दिया हुआ, आई के बाद जे, जे दिया हुआ है कहीं, नहीं दिया हुआ। उसके बाद के, ये कहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ। उसके बाद L, ये देखो बच्चों L, लायन, इस पे नंबर सिक्स लगाएंगे लायन पे। उसके बाद M, M बच्चों उसके नीचे ही है मंकी, नीचे नंबर सेवन लगाएंगे। उसके बाद N, N कहीं दिया हुआ है, नहीं। उसके बाद O, ओ कहीं दिया हुआ है, नहीं। उसके बाद पी, ये रहा पी, पी से पैरेट, नंबर एट लगाएंगे। उसके बाद क्यू, क्यू कहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ। उसके बाद आर कहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ। उसके बाद एस कहीं दिया हुआ है, ये रहा एस, स्वान, इस पे नंबर नाइन लगाएंगे। उसके बाद टी, टी कहीं दिया हुआ है बच्चों, नहीं दिया हुआ। यू, यू कहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ। वी कहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ। डब्ल्यू, ये रहा व्हेल, व्हेल पे नंबर टेन लगाएंगे। यस बच्चों अब हम राइटिंग पार्ट करेंगे। राइट फाइव सेंटेंसेस अबाउट योर स्कूल, आपको पांच सेंटेंस लिखने हैं अपने स्कूल के बारे में। यूज दिस हिंट्स फॉर हेल्प, आपको कुछ हिंट्स दिए गए हैं आपकी हेल्प के लिए, उनका यूज़ करना है आपको। नंबर वन है द नेम ऑफ माई स्कूल इज, माई स्कूल, आपके स्कूल का नेम, मेरे स्कूल का क्या नाम है, मॉडर्न पब्लिक स्कूल। इट इज इन, यह कहाँ पर है, इट इज़ इन रायसी नगर। द स्कूल हैज, स्कूल में एक लाइब्रेरी भी है। द स्कूल हैज़ अ लाइब्रेरी, स्कूल में एक लाइब्रेरी है। द स्कूल, इट हैज़ अ गार्डन एंड अ प्लेग्राउंड, इसमें एक गार्डन भी है और एक प्लेग्राउंड है। माई टीचर्स नेम इज मिसिस निशा। यस चिल्ड्रन अब हम करेंगे माई वर्ड बैंक। राइट द न्यू वर्ड्स दैट यू हैव लर्न इन दिस स्टोरी, आपने जो वर्ड इस स्टोरी में नए सीखी हैं वो वर्ड हमने यहाँ पर लिखने हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे स्केयर्ड, एस सी ए आर ई डी, स्केयर्ड, स्केयर्ड। शाइनी, एस एच आई एन वाई, शाइनी। एक्साइटेड, ई एक्स सी आई टी ई डी, एक्साइटेड। टमी, टी यू डबल एम वाई, टमी।
front, front, front. Filling, feeling, filling. Yes children, अब हम lesson 3 के word meaning करेंगे. सबसे पहले लिखेंगे lesson 3, उसके बाद lesson का name, my first day at school. लेसन का नेम लिखेंगे, फिर लिखेंगे वर्ड मीनिंग. नंबर वन, स्केयर्ड. स्केयर्ड मीन्स डरा हुआ होना. नंबर टू, एक्साइटेड. एक्साइटेड मीन्स उत्तेजित हुआ. नंबर थ्री, इनसाइड. इनसाइड मीन्स अंदर. नंबर फोर, रीच्ड. रीच्ड मीन्स पहुंचा. नंबर फाइव, नर्वस. नर्वस मीन्स चिंतित हुआ. नंबर सिक्स, होल्ड. होल्ड मीन्स पकड़ा. नंबर सेवन, टाइट. टाइट मीन्स कसकर. नंबर एट, हग. हग मीन्स गले लगाना. नंबर नाइन, वेव्ड. वेव्ड मीन्स हिलाया. नंबर टेन, फील. फील मीन्स महसूस करना. यस चिल्ड्रन, अब हम लेसन 3 के क्वेश्चन आंसर करेंगे. क्वेश्चन नंबर वन, व्हाट वर द न्यू थिंग्स नेहा हैड गॉट फॉर हर फर्स्ट डे एट स्कूल. नेहा को अपने स्कूल के पहले दिन कौन कौन सी नई चीजें मिली. इसका आंसर है बच्चों, नेहा हैड गॉट न्यू शूज, अ न्यू स्कूल बैग, अ न्यू पेंसिल बॉक्स विद फोर न्यू पेंसिल्स एंड एन इरेजर इनसाइड अ बॉक्स फॉर हर फर्स्ट डे एट स्कूल. देखो बच्चों, नेहा को नए शूज, एक नया स्कूल बैग, एक नई पेंसिल बॉक्स, चार नई पेंसिल्स और एक इरेजर अपने स्कूल के पहले दिन मिला. सेकेंड क्वेश्चन, हाउ वॉज नेहा फीलिंग इन द मॉर्निंग. नेहा को सुबह कैसा लग रहा था. आंसर है, नेहा वॉज फीलिंग स्केयर्ड एंड एक्साइटेड. नेहा डरी हुई भी थी और एक्साइटेड भी थी. क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हाट डिड द चिल्ड्रन प्ले. बच्चे क्या खेलते हैं. द चिल्ड्रन प्लेड हाइड एंड सीक एंड फुटबॉल. बच्चे हाइड एंड सीक और फुटबॉल खेलते हैं. क्वेश्चन नंबर फोर, हु वॉज वेटिंग फॉर नेहा एट द गेट. नेहा का गेट पर कौन वेट कर रहा था. आंसर, नेहाज मदर. नेहा की मदर वॉज वॉट वेटिंग. फॉर हर एट द गेट. नेहा की मदर उसका गेट पर वेट कर रही थी. क्वेश्चन नंबर फाइव, हाउ वॉज नेहा फीलिंग एट द एंड ऑफ द डे. दिन के आखिर में नेहा को कैसा फील हो रहा था. आंसर है, नेहा वॉज फीलिंग वेरी हैप्पी एट द एंड ऑफ द डे. दिन के अंत में नेहा बहुत खुश थी.